सो हे गाइस, वेलकम टू दिस चैनल मलालीज व्लॉग। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही चटपटी सी स्टोरी मुर्गा पनिशमेंट को लेके। ट्यूशन में आप लोग हमेशा कहते हैं कि आप लोग मुझसे कुछ मुर्गा पनिशमेंट शेयर कीजिए, मुर्गा शेयर कीजिए। तो आपके लिए आज की जो स्टोरी मैं लेकर आई हूँ वो बहुत ज़्यादा अलग है और बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, ठीक है। ये एक ट्यूशन की स्टोरी है और जैसे आप लोग आजकल मेरे साथ स्टोरी शेयर कर रहे हैं और मैं आपको बताती हूँ, आपको सुनाती हूँ, ठीक है। ये बात है आपकी, मेन जो लड़की का नाम है वो तो मैं नहीं बताऊंगी। एक लड़का था और उसके दो दोस्त थे जिनका नाम था सत्यम और राकेश करके। ये बात है इनके क्लास 10th की, ठीक है। ये जहाँ पे ट्यूशन पढ़ते थे वहाँ पे इनके बैच में 10 लड़कियाँ और 15 लड़के, काफ़ी इनका अच्छा खासा बैच था, वहाँ पे ट्यूशन पढ़ते थे। उस ट्यूशन में क्या होता था, सत्यम की गर्लफ्रेंड भी थी और बहन, मतलब दोनों वहाँ पे ट्यूशन पढ़ते थे, ठीक है। और वहाँ की जो मैम थी इनकी ट्यूशन की, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी। मैम हमेशा क्या करती थी, जब टेस्ट लेती थी ना, पढ़ाती थी, तो मतलब बहुत ही हार्ड वाला पनिशमेंट देती थी। अब क्या था, इनके दो दिन बाद इनके ट्यूशन में टेस्ट होने वाला था, ठीक है। तो इन्होंने पूछा, मैम जिसके कम नंबर आएंगे वो फेल होगा, उसका क्या होगा। तो मैम ने बोला, जिसके कम नंबर आएंगे ना इस बार, उसको तो मैं नंगा करके मुर्गा बनाऊँगी, ठीक है। तो फिर लड़कों ने ऐसे ही छोड़ा कि कोई बात नहीं, छोड़ो, हटा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैम तो हर बार छोड़ देती हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, क्योंकि हर बार जैसे जब लड़के रोते थे ना तो वो शर्ट उतार देते थे और मैम फिर कहती थी, अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन इस बार मैम के दिमाग में चल रही थी एक ख़तरनाक प्लानिंग। तो मैम के दिमाग में चल रहा था कुछ और। अब जब उन लोगों लड़कों ने क्या करा, इस बार भी टेस्ट जब सीरियसली नहीं लिया ना और उनके नंबर कम आए, तो उसमें दो लड़कियाँ थी, एक थी साक्षी, ठीक है, वो थी आपकी सत्यम की गर्लफ्रेंड, और एक था पुलकित, ठीक है। इस और ये दो लड़कों के नंबर करा कम आए, और दो लड़कियाँ थीं साक्षी और स्वाति। साक्षी तो उसकी गर्लफ्रेंड थी, ठीक है। अब मैम ने क्या करा, अब मैम ने लड़कियों को तो तुरंत मुर्गा बना दिया कि तुम फटाफट से मुर्गा बन जाओ, लड़कों को बोला अब तुम नंगे हो जाओ, ठीक है, अब और उसके बाद मुर्गा बनो। तो लड़कों ने बहुत मिन्नतें करी, नहीं मैम प्लीज़ छोड़ दो, प्लीज़ छोड़ दो, आज के बाद ऐसा नहीं होगा, प्लीज़ मैम, बहुत रिक्वेस्ट करी। यार ऑब्वियसली कौन होना चाहेगा ट्यूशन के सामने, ऐसे बहुत रिक्वेस्ट करी फिर भी वो नहीं मानी। तो मैम ने बोला कि तुम लोग ऐसे नहीं सुधरोगे, तुम लोगों ने मजाक लगा रखा था, अगर मैं खुद से तुमको ऐसे कर, मैं खुद से अगर नंगा करके मुर्गा बनाऊंगी तो तुम्हें बिल्कुल मतलब बाहर, ट्यूशन के बाहर सबके सामने, पूरे मोहल्ले के सामने करूँगी, इसलिए चुपचाप सी है कि यहीं पर बन जाओ, तभी तुम सुधरोगे, तभी तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी, ठीक है। अब उन्होंने कहा तुम ऐसे नहीं सुधरोगे, ठीक है। तो मैम ने क्या करा, उनको बोला कि जो लड़के थे और ट्यूशन के, इनके हाथ पकड़ो, ऐसे हाथ पीछे पकड़े। उन्होंने कहा कि अब तुम्हारी क्लास की लड़कियाँ ही तुमको ऐसे नंगा करके मुर्गा बनाएंगी, उन्होंने बोला, ठीक है। एक्चुअली कुछ वर्ड्स मैं ऐसे यूज़ नहीं करती, इसलिए मुझे बताने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। और उन्होंने कहा कि अब तुम्हारी क्लास की लड़कियाँ तुमको ऐसे नंगा करके मुर्गा बनाएंगी। तो फिर उन्होंने क्या करा, लड़कियों को बोला एक काम करो, अब इनके कपड़े उतारो, ठीक है। अब क्या था, मैम ने कहा कि ठीक है, अब तुम खुद से तो नहीं हुए, अब ये मैंने तुमको नंगा किया है ना, काम करो, अब चलो बाहर। क्योंकि मैंने कहा था कि अगर मैं खुद से करूँगी ना तो तुमको पूरे मोहल्ले में घुमाऊँगी। लड़कों ने, लड़के मैम के पैर पर गिर गए। अब उन्होंने मुझे ऐसा स्टोरी शेयर किया है, मैं वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ऐसा हुआ था उनके ट्यूशन में, वो उनके पैरों पर गिर गए, मैम प्लीज़ 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 छोड़ दो। तो फिर मैम को थोड़ी दया आ गई, टीचर इतनी खड़ूस नहीं होती है, ठीक है। ये लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा सख्त हो गया था ट्यूशन में, ठीक है। तो फिर मैम ने क्या करा, उनको मतलब लड़कियों को लड़कों को क्या करा, नंगा करके लड़कियों के सामने मुर्गा बना के रखा, उनके पैर छूने छुवाए, लड़कियों के जो टॉपर लड़कियां थी उनके, और उनको 50-50 उठक बैठक कराया, और लड़कियों को भी पनिशमेंट दिया और कहा सबसे, देख लो अगर अगली बार से जिसने भी होमवर्क नहीं किया, कुछ भी नहीं किया ना, तो उसको मैं इसी तरीके से उसका ऐसा बुरा हाल करूँगी, और जिसके टेस्ट में कम नंबर आए मैं उसके साथ बिल्कुल ऐसा ही करूँगी, ठीक है। और हाँ, सबसे बड़ी चीज़, जब लड़कियों ने लड़कों को नंगा किया ना, उनको बहुत हंसी आ रही थी, उनको बहुत हंसी आ रही थी कि हाँ बब्बा हो ऐसा हमने किया है, और बहुत ज़्यादा हंसी थी। लेकिन लड़कियों को भी मैम ने उठक बैठक कराई लड़कों के सामने, उनको टॉपर, ठीक है, और लड़कों को तो जो करा वो भयंकर ही करा, ठीक है। तो गाइस कैसी लगी आपको इनकी स्टोरी, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ट्यूशन ब्लॉग्स आपको इसी चैनल पर मिलते रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हेल्दी रहिए, फिट रहिए, कोरोना से सेफ रहिए, बाय।